राजस्थान के सियासी घमासान के बीच एक मुलाकात ऐसी भी हुई है जिसे पूरा सियासी घटनाक्रम बदल सकता है। ये मुलाकात सीपी जोशी और राहुल गांधी की हुई है। एक तरफ राज्य में पायलट गुट सीएम पद के लिए तगड़ी दावेदारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 82 विधायकों का इस्तीफा सीपी जोशी के पास है। ऐसे में जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी तो राज्य में दो हिस्सों में बटी कांग्रेस पार्टी का सियासी रुख क्या होगा, देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहे सियासी घमासान के बीच राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा से पहले हुई इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीपी जोशी न केवल राहुल गांधी के साथ यात्रा में चले हैं, बल्कि बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ उनकी अलग से भी बैठक हुई है। इस बैठक में राजस्थान के सियासी मसले को लेकर सीपी जोशी ने राहुल गांधी को पूरा ब्रीफ किया है। हालांकि लंबे समय के बाद दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात के बाद राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अपने अपने तरीके से इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस दौरान सीपी जोशी के साथ कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा भी राहुल गांधी से मिले हैं। अब हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या सीपी जोशी खुद राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे या फिर राहुल गांधी की ओर से उन्हें बुलाया गया था। चर्चा ये भी है कि मुलाकात के बहाने राहुल गांधी ने राजस्थान में चल रहे सियासी संग्राम पर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी से फीडबैक लिया है। इस दौरान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश से भी जलगांव में लंबी मुलाकात हुई थी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ भी सीपी जोशी की चर्चा हुई है। सीपी जोशी की राहुल गांधी से मुलाकात इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि 25 सितंबर को राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ, सीपी जोशी उस पूरे घटनाक्रम का एक अहम हिस्सा रहे हैं। दरअसल 25 सितंबर को पार्टी की आधिकारिक बैठक का बहिष्कार करने वाले गहलोत समर्थक 82 विधायकों के इस्तीफे विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के पास है, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में चर्चा ये है कि विधायकों के इस्तीफे को लेकर भी राहुल गांधी और जोशी के बीच चर्चा हुई है। हालांकि इन सब से अलग विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी माना जाता रहा है। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में भीलवाड़ा से सांसद चुने जाने के बाद सीपी जोशी को यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इसके साथ ही वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी रहे थे। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में नाथद्वारा से जीत दर्ज करने के बाद सीपी जोशी को विधानसभा में स्पीकर बनाया गया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश से राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिडावा में प्रवेश करेगी, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत अन्य नेता यात्रा का स्वागत करेंगे। यात्रा 21 सितंबर तक राजस्थान में रहेगी और उसके बाद हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। अब कहा जा रहा है कि सीपी जोशी की राहुल गांधी से मुलाकात का राजस्थान कांग्रेस के सियासी घटनाक्रम पर बड़ा असर होने वाला है। पार्टी आलाकमान और राहुल गांधी जो भी फैसला करेंगे उसमें सीपी जोशी का ये फीडबैक निर्णायक साबित होगा। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।